गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैं टीचर फ्रॉम सीनियर अकेडमी हाई स्कूल सतना, एंड टुडे टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स एंड एक्सरसाइज 3.3 पार्ट एट। पार्ट एट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको सॉल्व क्या करना है। सो आपको मैंने यहाँ पे डिसबिलिटी फर्स्ट एंड सेकेंड बताया था कि आप नंबर्स को कैसे आप देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, वही डिसबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। मैंने आपको 7 and 13 का भी बताया था डिसबिलिटी के लिए रूल ऑफ उसका कैसे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है उसको नंबर्स को हमको सिर्फ चेक नहीं करना है, बट यहाँ पे किस नंबर का चेक करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। तो फर्स्ट देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, यूजिंग डिसबिलिटी टेस्ट, मतलब आप जितनी भी डिसबिलिटी टेस्ट मैंने आपको दिया था बताया है वो आपको उसका यूज करना है। आपको ये लॉन्ग मेथड से डिवाइड नहीं करना है कि आप लॉन्ग मेथड से 2 का ऑल में आप डिवाइड कीजिए, ये आपको क्या करना है मेथड के थ्रू आपको बताना है। जैसे डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। ठीक है, ये आपको क्या करना है डिवाइड करके आपको बताना है। रूल से आप बताओगे, लॉन्ग मेथड से हमें डिवाइड नहीं करना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जो बताया गया था, अब आप इसका आंसर किसमें दोगे, यस देखिए से यस और नो मीन्स इसका जो आंसर होगा आप यस नो में आपको देना है। जैसे फर्स्ट नंबर में है 990, मीन्स आपको बताना है 990 जो किस नंबर से डिविजिबल बाय होगा, 2 से 3 से। तो आपको 2 का रूल पता था कि यूनिट डिजिट क्या होती है 2, 4, 6, 8, 0, मीन्स 2 के रूल के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, मीन्स यहाँ पे 0 है, मीन्स ये नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, मीन्स हम यहाँ पे यस कर देते हैं, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 आता है, तो नंबर किससे डिवाइड होते हैं, वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हम 3 का देखते हैं। 3 का रूल क्या था, जितने भी नंबर्स है सबको आप क्या करते हो, सम करते हो। जैसे यहाँ पे नंबर्स क्या राइट है 9, 9, 9, 0, तो इसको आप सम कीजिए 9 + 9 + 0, तो सम करने में क्या आ रहा है 18। अब बताइएगा 18 3 के टेबल में 18 आता है क्या, मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 3 में 18 आ रहा है, यस मीन्स 3 की आप जब टेबल राइट करते हो रीड करते हो तो उसमें क्या आता है 18 आता है, मीन्स ये भी नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा यस। हम आते हैं किसका 4। अब आप 4 के लिए कैसे पता करोगे, मैंने आपको बताया था 4 का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट जो होती है अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो ऑल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 4 से डिवाइड होते हैं। तो आप 990 में आप क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट मीन्स 90, आप 90 लोगे और इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 4 2 8 1 और 0, तो 4 2 क्या होता है 8 होता है, मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नो। नेक्स्ट हम देखते हैं 5। 5 का रूल क्या था, यूनिट डिजिट 0 and 5, मतलब अगर लास्ट डिजिट क्या होती है 0 होती है एंड या फिर 5 होती है तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 0, मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड होगा 5 से होगा, इसलिए यहाँ पे इस आंसर क्या आएगा यस। अब 6 का रूल क्या है, 6 के रूल के लिए आपको चेक करना पड़ता है नंबर 2 and 3, मीन्स अगर आपके नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं एंड 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों नंबर से डिवाइड होते हैं 2 and 3, तो नंबर्स आपका क्या होगा उसको डिविजिबल बाय 6, तो नंबर्स आपका 6 से डिवाइड होगा। जैसे आपको क्या करना है 6 के रूल के लिए चेक करना पड़ता है 2 and 3 का रूल, इसके लिए हमें 2 का 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर नंबर 2 and 3 दोनों से डिवाइड होते हैं तो 100% नंबर किससे डिविजिबल बाय होगा, 6 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं 2 से, देखिए हमने बताया है 2 से नंबर्स क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये नंबर्स क्या होगा आपका 6 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा यस। अब 8 का रूल क्या था, 8 का रूल आपको चेक करना पड़ता है लास्ट की जो 3 डिजिट होती है वो आपको डिवाइड करना पड़ता है, अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो ऑल नंबर किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल नंबर क्या है, टोटल 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 990 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से, आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 8 1 8 1 और 9, 8 2 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 0, अब 8 के टेबल में 30 आता है क्या, 8 के टेबल में 30 नहीं आ रहा है, मीन्स ये भी आपके क्या होंगे नो, ये नंबर्स आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 9। अब 9 का रूल क्या था,
अब नाइन का रूल आपको क्या करना है, जैसे आप थ्री का रूल पता करते हो सेम वैसे हमें नाइन का रूल पता करना पड़ता है। बट हम थ्री में क्या करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ थ्री देखते हैं, बट हम नाइन में क्या देखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ नाइन देखेंगे। ठीक है, देखिए नाइन के फर्स्ट आप क्या करोगे, डिजिटल रूट इसका पता करोगे, मीन सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी नंबर्स हैं उसको हम सम करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे सम करने के बाद नंबर्स क्या आ रहा है। जैसे 990 आपने चेक किया था, 990 को हमने सम किया ऑल नंबर्स, तो क्या आया 9 + 9 + 9 मीन्स सॉरी 0, सम करने में क्या आया 15। अब 9 का रूल क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 9, मीन्स ये नंबर्स हमको जब हम 3 का चेक करते हैं तो 3 के बराबर में देखना पड़ते हैं, बट हम जब 9 का चेक करेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 9 देखेंगे। जैसे 9 के बराबर पढ़ेंगे, 9 के बराबर में 18 आता है क्या, यस 9 टू जा क्या होता है 18, 2 टाइम आता है, मीन्स नंबर्स ये क्या होंगे 9 से नंबर 999 से डिवाइड होगा। अब हम आते हैं 10 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0। देखिए ना लास्ट डिजिट क्या है 0 है, मीन्स ये नंबर आपको किससे डिवाइड होगा 10 से डिवाइड होगा। अब 11 के लिए आप क्या करते हो, 11 का रूल क्या होता है कि आप इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस वाले जो डिजिट होते हैं वो आप 10 by 10 क्या करते हो ऐड करते हैं, देन उसके अलावा क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं दोनों नंबर का। आपने जब इसका रूल पढ़ा होगा तो आपको बताया गया है कि इसको हम 11 के रूल के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट देखिए जैसे 990 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जैसे ये नंबर्स हो गया ना, ये पैटर्न बनता है, वन नंबर्स को गैप करके करते हैं, इसलिए 990 आ रहा है तो ये पैटर्न बनेगा, तो 0 को 9 से हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 + 9 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब रिमाइंडिंग क्या हो जाए 9, रिमाइंडिंग क्या है 9, ये नंबर आ गए और रिमाइंडिंग है 9, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आया 0। मीन्स अगर आप 9 को रूल के लिए सॉल्व करने के बाद जब आप नंबर्स को सॉल्व कर लेते हो तो उनका जो डिफरेंस आता है 0 आता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11 आता है या फिर 11 के अंदर जो नंबर आते हैं वो आते हैं, तो नंबर्स क्या होते हैं आपके 11 से डिवाइड होते हैं, मीन्स ये भी आपको क्या होगा यस। अब नेक्स्ट फिर से हम देखते हैं 2 का रूल, 2 के रूल के लिए क्या है, यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0, यूनिट डिजिट क्या है 6, मीन्स क्या होगा 2 से डिवाइड होगा यस कर दीजिए। 3 का रूल क्या है, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको हम सम करते हैं, सम करके देखिए इसको क्या आएगा 1, 5, 8, 6 को आप ऑल डिजिट को आप सम करोगे क्या आएगा, क्योंकि सम करने के अलावा मल्टीपल्स ऑफ 3 हम देखते हैं, सम कर लीजिए 1 + 5 + 8 + 6, 8 + 4 होता है 14, 14 + 14 + 5 = 19, 19 + 1 = 20, 3 के में 20 आता है क्या, नहीं आता, मीन्स ये आपको क्या हो जाएगा 9, क्योंकि जब आप इसका सब ऑल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या आता है देखिए 6, 12, 20, मीन्स ये 3 का मल्टीपल्स 3 के में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट हम डिवाइड करते हैं, तो हम लास्ट की जो 2 डिजिट इसकी होगी वो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कीजिए, क्योंकि 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट हम चेक करते हैं, जैसे लास्ट की 2 डिजिट क्या है 86, 86 को आप डिवाइड कर लीजिए क्या आएगा, देखिए 4 × 2 = 8, 6, 4 × 1 = 4, रिमाइनिंग 2 बच रहा है, मीन्स ये भी आपका क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा, नो कर दीजिए। अब 5 का रूल क्या है, यूनिट डिजिट 2, 4, 6 सॉरी 5 का रूल क्या है, यूनिट डिजिट 0 and 5, तो लास्ट में यहाँ पे 0 and 5 नहीं है, मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा नो। 6 के रूल के लिए क्या था, 2 and 3, अगर नंबर बोथ नंबर दोनों नंबर से डिवाइड होते हैं तो 100% नंबर से डिवाइड होगा 6 डिवाइड होगा, बट यहाँ पे देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड है 6 से डिवाइड नहीं है, मीन्स 2 में से किसी एक से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है वो नो, क्योंकि ये दोनों नंबर से डिवाइड होने चाहिए 2 and 3, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब हम 8 के रूल के लिए क्या थे, क्या कैसे चेक करते हैं, लास्ट की जो डिजिट होती है 3 डिजिट उसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितनी भी डिजिट हो उस डिजिट में से लास्ट के अंदर 3 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, जैसे है 1586 में हम कितनी डिजिट ले लेंगे, हम 3 डिजिट लेंगे, तो 3 डिजिट को आप डिवाइड करके देखिए 8 के बराबर पड़िएगा कितने टाइम में जाएगा 6 × 48 होता है, 6 × 48 मतलब 6 टाइम से ज़्यादा हो गया, अगर आप 7 टाइम में करोगे तो कितना आएगा 7 टाइम 56, यस तो 7 टाइम ले लेते हैं 56 × 2, 6, 2 के बराबर में आता है क्या ये 26 नहीं आ रहा है, मीन्स 24 आता है, मीन्स ये भी आपको क्या हो जाएगा नो,
अब नाइन के लिए आप क्या करते हो, सेम वही नंबर्स को आप चेक करते हो, मतलब हम क्या करते हैं इसका सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट है सबको हम सम करते हैं। आपने अभी थ्री में सम किया था, जब हमने थ्री का रूल चेक किया तो उसमें हमने सम किया था तो क्या आया था 20। मीन्स आप नाइन में भी सम करोगे तो क्या आएगा 20, और नाइन के बाद में 20 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी नंबर डिजिटल बाय नहीं है। 10 के लिए क्या है, 10 का आप जब करते हो यूनिट डिजिट जीरो होनी चाहिए, बट यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नो, ये भी आपको 10 से डिवाइड नहीं होगा, बट आप डिवाइड जब करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा और हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। 11 के लिए क्या करते हो आप, ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग, इवन नंबर्स, टर्न के अकॉर्डिंग आप सबको ऐड करते हो, देयर आप उसके बाद आप क्या करते हो डिफरेंस करते हैं, तो 1, 5, 8, 6 को ये पैटर्न बनाइए, ये ऐड करोगे आप क्या आएगा 5 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 11, ये आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 + 8 इक्वल क्या आएगा 9, इसको आप डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंस करने में आएगा आपको 2, मीन्स ये भी आपके क्या होंगे नंबर्स से डिवाइड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट आपका क्या है थर्ड नंबर, तो आपकी जितने भी थर्ड नंबर हैं ये नंबर्स हैं, अब आप इसको क्या करते हो रूल के अकॉर्डिंग आप ये चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका जो रूल है इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, सेम आपको वही मेथड यूज करना है, फॉलो आप करोगे डिविजिबल इसका आपसे बन जाएगा, तो आप जितने भी नंबर्स को चेक आप डिवाइड से आप चेक कर सकते हो नॉर्मल मेथड से, अगर आपको डिवाइड करना है तो नॉर्मल मेथड पे आपके ये सब कुछ जो रूल है वो बनना चाहिए, अगर आप लॉन्ग मेथड करोगे तो क्या होगा आपके लिए टाइम वेस्ट होगा, जैसे मैंने अभी इसको क्या किया इतनी जल्दी मैंने डिवाइड कर दिया, बट अगर मुझे ओरल करना होता तो ये और भी जल्दी डिवाइड होता, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके कर रहा था, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लगा, इसलिए आपकी जब रूल आपके माइंड में होगा ऑल नंबर्स के जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं आपका यहाँ पे 7 and 10 यहाँ पे नंबर मिस है, क्योंकि इसमें आपके फर्स्ट नंबर में 7 and 10 एग्जांपल नहीं है, बट मैंने आपको इसकी डिजिबिलिटी में मैंने आपको 7 and 10 का बताया है, इसलिए जितने भी रूल हैं आप इसको रूल से आप फॉलो कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।